तो यार आज एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये जो इंसिडेंट है बिग फोर का है बेसिकली और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोग बिग फोर में अगर काम कर रहे हैं तो इस चीज पे हमेशा याद रखें मतलब एक कुछ सिखाने वाला इंसिडेंट है तो हुआ क्या कुछ इस तरीके की बात है कि हम लोग ऑडिट कर रहे थे और कुछ क्रिशियल डाटा था और बेसिकली मैं जब पहले जब मीडियाकर में था तो एक एक मीडिया फॉर्म में था टॉप टेन फॉर्म में था तो उस समय मतलब क्या होता है ना कि एक ना क्लाइंट के साथ रिलेशन होता है अगर आपने बोल दिया क्लाइंट को कि आपका जो डाटा है ये मान लीजिए क्लाइंट ने बोला कि आपको दो दिन बाद मिल जाएगा डाटा आप दिक्कत मत लीजिए है ना तो आपने क्या करते हो ठीक है मतलब क्लाइंट के उसके ऊपर जो बोल रहा है उस पर चले जाते हो और फिर ठीक है मतलब क्लाइंट डाटा भी दे देता दे है आपको लेकिन हुआ क्या कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ कि क्लाइंट से मैंने बोला डाटा के लिए क्लाइंट ने दिया नहीं कुछ टाइम बाद फिर बोला क्लाइंट ने फिर नहीं दिया इस तरीके से होते होते क्या हुआ कि एक टाइम आया कि बिल्कुल आखिरी का समय आ गया था ऑडिट मतलब ये मानो क्लोजर के टाइम पर अब हुआ क्या कि जो मेरा सीनियर थे वो बोलते यार ये अभी तक डाटा क्यों नहीं आया मैंने कहा सर ये तो मैंने बहुत मांगा हुआ है देता ही नहीं है तो मेरे जो सीनियर है उन्होंने क्या करा अपनी जो ये जो चीज है ये आगे रेस करी मतलब आगे जो उनके सीएफओ थे उनको रेस करी ये मेरे जो सीनियर है तो मेरे सीएफओ बोलते उन्होंने सीएफओ ने डिस्कस करा होगा टीम के साथ तो टीम बोलती कि हमने हमें तो अभी तक रिक्वायरमेंट पहली बार आई है ये तो मेरे सीनियर ने बोला कि ये तो क्लाइंट का मेल आया है कि देख किसने अभी तक पहली बार मांगी है तुमने ये रिक्वायरमेंट तो मैंने कहा कि सर मैं तो मांग चुका हूं तो मेरे सीनियर ने बोला कि काम कर मेरे को मेल दिया पे मांगी है तूने तो मेरे पास मेल तो था नहीं क्योंकि मैं तो ओरली डिस्कस कर रहा था उसके साथ सर ये रिक्वायरमेंट पेंडिंग है ये चाहिए हमें और मेरे जो सीनियर थे वो बोलते कि दिखा मेरे को कहां पे तूने मेल करा हुआ है क्लाइंट को किधर को रिक्वायरमेंट चाहिए मैंने बोला मेल तो नहीं है मेरे पास और उस दिन जो मेरी लगी है ढंग से उस चीज को लेकर तो मतलब आज के बाद मतलब जब से फिर मैंने ना मतलब वो होता है ना कि यार एक जो मेल है हर चीज छोटी सी चीज भी मांगनी होती है ना अगर मेरा एक डॉक्यूमेंट भी रह जाता है ना अगर मेरे को एक सैंपल भी नहीं मिला होता तब भी मैं वो मेल पे लिख देता हूँ कि सर ये ये सैंपल पेंडिंग है आपके ये सैंपल भी चाहिए हमको उसका कुछ भी होता है छोटी से छोटी चीज वो भी मैं मेल पे डाल देता हूँ उसके बाद तो यहाँ पर क्या है कि मतलब एक जो जब आप छोटे क्लाइंट के साथ डील करते हो या जब आप एक छोटी पंप में होते हो वहां पर ना एक रिलेशनशिप आप डेवलप कर लेते हो क्लाइंट के साथ और उससे क्या होता है ना रिलेशनशिप कहने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप कहने का मतलब यह है कि ठीक है अंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट और आपके बीच में और ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब वहां पे क्या है कि जब आप बड़ी पम्प में काम करते हो तो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां पर क्या होता है ना पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है तो वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ किसी बड़ी फॉर्म में जब आप काम कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी आपके पास प्रूफ है एक कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन है तो आपके पास प्रूफ है कि, तो कि हाँ मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट डिटेल मांगी हुई है तो अगर वो मेरे पास अगर एक मेल होता तो मेरे पास एक प्रूफ होता ना कि हाँ मैंने डिटेल मांगी हुई है लेकिन उस क्लाइंट पलट गया वो क्लाइंट तो डिटेल मांगी नहीं अब ओरल का मैं क्या प्रूफ कि मैंने मांगी है नहीं मांगी अब उसको कोर्ट में तो घसीटूंगा नहीं कि चलो देखते हैं कि मैंने मांगी मतलब वो चीजें तो होगी नहीं पॉसिबल तो पॉइंट इज की जितनी भी चीजें हैं इन सबकी डॉक्यूमेंटेशन होगी आपके पास तो आपके पास एक एडिशनल एज रहेगा कि आप चीजों को प्रूव कर पाओगे कि यार आपने डिटेल मांगी हुई है अदरवाइज उस तरह से मेरी कुटाई हुई थी उस दिन जैसे मेरी डांट लगी थी उस दिन उसी तरीके से आपकी लगेगी तो ऑलवेज रिमेम्बर की डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में